हाय, गुड इवनिंग माय यूट्यूब फैमिली और मिनी व्लॉग में आप लोग का वेरी वेरी स्वागत है जी। आज मैं बना रही हूँ, देखिए शाम के बज रहे हैं 7 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ कुछ वेजिटेबल मैगी। तो देखो मैंने यहाँ पे गाजर, प्याज, यहाँ पे धनिया पत्ता, टमाटो, पीज और मटर ले रखी है। ये मिर्च अब डाले, यहाँ कढ़ाई चढ़ा दें, तेल गर्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्च, थोड़ा सा इसको लाल होने देते हैं। देखिए अब ये जल चुका है, अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज। ज़्यादा नहीं भूनेंगे प्याज को, क्योंकि मटर और उसके गाजर वगैरह के साथ भुनाएगा, लेकिन थोड़ा सा इसको लाल कर लेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे सारा वेजिटेबल एक ही साथ। अब ये प्याज थोड़ा सा भुना गया, ज़्यादा नहीं भुनेंगे। अब इसमें सारे वेजिटेबल ऐड कर देंगे एक ही साथ, क्योंकि सबको पकने में टाइम लगेगा, है ना। तो इसमें सारे को ऐड कर देंगे और तब धीरे धीरे इसको भूनेंगे। तो हम मीडियम लो आंच कर देते हैं, नहीं तो जल जाएगा चीज़ें करने से। ये धनिया को तो बाद में ऐड करेंगे, देखिए इससे अच्छा होता है सब्जी में, एक तो इसमें टेस्ट अच्छी आती है और दूसरी बात ये होती है कि वेजिटेबल भी मैगी के साथ साथ खा लेते हैं, है ना। बच्चे बहुत कम ही वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं और ऐसे बन जाता है तो वेजिटेबल और मैगी दोनों साथ ही हो जाता है। तब इसको भूनते हैं, तब ये देखिए ये थोड़ा सा भुना गया है। इसमें ऐड कर देंगे नमक वेजिटेबल अनुसार, क्योंकि मैगी में तो नमक रहती है लेकिन वेजिटेबल नहीं, इसके अनुसार डाल देंगे। और थोड़ा सा जीरा पाउडर डालेंगे, नहीं तो फीकी फीकी लगने लग जाती है, इससे टेस्ट अच्छी आ जाएगी। जीरा पाउडर हो गया और थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे पाउडर, जिससे हमारी कलर अच्छी आएगी। और यदि आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो इसमें आप रेड चिली ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग स्पाइसी बहुत ही कम खाते हैं तो इसमें हम नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि मैं ग्रीन चिली पहले भी डाली थी ऐसे। और इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे और इसको पकने देंगे। अब ये तो भुना गया, अब इसमें ऐड कर देंगे पानी, क्योंकि पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही ऐड करेंगे, क्योंकि अभी इसमें मैगी भी ऐड करना है ना। और अभी से देखिए इसकी कलर कितनी अच्छी आ रही है, अभी आएगी और अच्छी कलर, जब पूरा रेडी हो जाएगा तो देखिए इसकी कलर बड़ी प्यारी आएगी। अब इसमें थोड़ा उबाल आने देते हैं, तब मैगी ऐड करेंगे। आ गई अब उबाल इसमें, अब इसमें ऐड कर देंगे मैगी। मैगी को मैंने तोड़ रखा है पहले से, और इसके साथ ही ऐड कर देंगे मैगी मसाला भी, एक पैकेट मैगी मसाला। एक ही मैगी मैंने डाली है इसमें, क्योंकि वेजिटेबल ज़्यादा था, मैंने मसाला डाल दिया। थोड़ा सा रख करके अंदर कर देंगे और इसके बाद अब इसको ढक देंगे, तो मिनट लगेगा रेड हो जाएगा। अब देखिए अब इसकी कलर आ चुकी है ना, बन गया हमारा मैगी। थोड़ा सा और इसको सुखा देंगे, थोड़ा पानी में लेंगे। तो कैसा लगा आप लोगों को ये रेसिपी कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। लो अब इसमें हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ता, जो मैगी में चार चांद लगाएगा ना धनिया पत्ता, उन लोगों को तो हमारी पूरी फैमिली को धनिया पत्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बट किसी किसी को नहीं पसंद आता है धनिया पत्ता, अलग बात है ना। हाँ हमारी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। अब इसमें ये तो पूरा कंप्लीट हो गया जी, अब ले चलते हैं तनुज को देते हैं, देखते हैं उनका एक्सप्रेशन कैसा रहता है मैगी को देख के, क्योंकि बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, बार बार किचन में आ रहा था कि बन गया मम्मा बन गया मम्मा। देती हूँ वो प्लेट में गैस पर, यहाँ तनुज का है प्लेट।
चलिए चलते हैं, तनोज को देते हैं। यहाँ रूम में बैठ के वेट कर रहा हूँ कुछ। तनोज कैसा लगा? तनोज अच्छा लगा मुझे, वेरी बहुत अच्छा लगता है आपको। तो फ्रेंड सबको बाय बोल दीजिए। बाय करा शुभिया बाय। थोड़ा सा मैगी दी खिला दो ना। सेल्फी चलो सॉस सॉस भी देना। ओके बाय बोलो। बाय शुभिया करा बाय। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मैगी का रेसिपी प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा लोग। और हाँ तब तक के लिए बाय बाय।